आज भगवान के यहाँ से 3 साल की मासूम कनिष्का जरूर नीचे पृथ्वी पर देखकर परमात्मा से कह रही होगी कि हे प्रभु, मेरी क्या गलती थी। मैं तो सड़क किनारे सिर्फ चुपचाप खड़ी थी, आखिर मैंने क्या किया था। नमस्कार, मैं हूँ विकास पाल और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़। अभी हाल में ही आपने राष्ट्रपति जी के भव्य स्वागत की सुर्खियों के बारे में सुना होगा, लेकिन उस शाही स्वागत की तैयारियों ने 2 परिवारों की खुशियों को उजाड़ कर फेंक दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2 परिवारों की, एक वंदरा मिश्रा जी के परिवार और एक प्यारी सी गुड़िया कनिष्का पाल के परिवार की। हमने कई मीडिया चैनलों में प्रशासन के आला अधिकारियों को स्वर्गीय वंदना मिश्रा जी के परिवार के पास जाते और माफ़ी मांगते देखा है। यहाँ तक हमने कमिश्नर साहब का ट्वीट करके माफ़ी मांगते देखा। लेकिन जब बात आई पतारा के ग्राम नगेलीपुर की निवासी 3 वर्षीय कनिष्का की, तो उनके घर का हाल कुछ अलग था। दरअसल कुछ दिन पूर्व जब राष्ट्रपति जी कानपुर आने वाले थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों की एक गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी कनिष्का को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कनिष्का की दुर्घटना में मौत हुए लगभग 7 दिन हो गए। यहाँ तक ये पूरा मामला कमिश्नर और बड़े नेताओं के संज्ञान में भी है, लेकिन कोई भी हुक्मरान उस मासूम के घर तक नहीं गया। अपनी काबिलियत और अपने नंबर बढ़वाने के लिए प्रशासन की लापरवाही ने इस मासूम की जान ली। जब हमारे सहयोगी ने गांव जाकर चीज़ों का जायज़ा लिया, तो वहां पाया कि परिवार का रो रोकर बुरा हाल है और बच्ची के माँ बाप बिल्कुल बेसुध हैं। तो पेश है हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हाल में ये राष्ट्रपति जी का कानपुर का दौरा था। उस दौरे के दौरान 2 लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई थी। एक तरफ वंदना मिश्रा जी थी जो अस्पताल जा रही थी, और अस्पताल जाते समय ट्रैफिक जाम में उन्होंने दम तोड़ दिया था। उसी समय एक बच्ची का और निधन हुआ था, एक दुर्घटना हुई थी, उस बच्ची ने उस समय अपना दम तोड़ दिया था। वंदना मिश्रा की जो खबर थी उसने खूब सुर्खियां बटोरी, उस पर खूब बात हुई, लेकिन ये जो बच्ची है इसके ऊपर इतनी चर्चा नहीं हो रही है। क्या ये सही है कि वो एक ऊंचे परिवार से आती थी, या उनके पास जो संसाधन उपलब्ध थे इसकी वजह से वहाँ पर अधिकारियों की पूछ ज़्यादा हुई, या अधिकारी वहाँ पर ज़्यादा गए? क्योंकि ये लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि इनके पास कोई अधिकारी नहीं आया। हम पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो परिजन बैठे हैं उनसे हमने यहाँ बात करी और आपसे हम सुनाएंगे भी अभी कि वो क्या बोल रहे हैं। कोई यहाँ पर अधिकारी आया था कि नहीं आया था? नहीं आया। कोई नहीं आया अधिकारी? नहीं आया तो कोई अधिकारी? कोई नहीं आया। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया था, लेकिन अगर हम दूसरी घटना की बात करें तो वहाँ पर बड़े आला अधिकारी भी गए थे, माफ़ी भी मांगी थी। क्या ये गलत होगा कहना, या कह लें क्या ये सही होगा कहना कि ये परिवार शायद छोटे तबके से आता है, इनके पास इतने संसाधन नहीं है, शायद इसलिए इनकी बात को नहीं उठाया गया? यहाँ पर हम किसी प्रकार की रार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो परिवार भी इस परिवार की तरह अहम है। तो कहीं ना कहीं सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से आप बाकी लोगों की बात उठा रहे हैं, इस परिवार की भी बात भी उठाएँ। धन्यवाद, देखते रहिए कबीर न्यूज़।